तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे बेसिकली कहता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस। बहुत आसान सवाल है, सस्ता क्वेश्चन इसको बोलता हूँ। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको फार्मूला पहले से पता होगा, क्या होता है भाई एवरेज काइनेटिक? डिग्री ऑफ फ्रीडम के टेम्परेचर टी डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से देखोगे तो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है आइडियल गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है ना। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी करेंगे। क्योंकि अगर तुम एक मॉलिक्यूल के लिए देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है और के यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक गैस मॉलिक्यूल के लिए ये सारा चीज़ कांस्टेंट हो गया। मतलब ये हुआ कि एवरेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये सारा गलत है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।